वे लोग सनातनी नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं साफ साफ आपको बताऊंगा कि वे लोग सनातनी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए वे लोग सनातनी है, भगवाधारी है, अदरवाइज दे आर नॉट सनातनी। जी हाँ, वो किसका टाइटल है, वो किसका टाइटल है, अरे आप दिल में बसिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद को पूछे दोस्तों, ये अधिकार हमें कौन देता है, किसने हमें ये अधिकार दिया कि हम किसी के घर में जाके जबरन जाके उनके घर में हम घुसे और उनके घर वालों से हम सवाल करें तुम कौन हो। बड़े ही अजीब सवाल है। करिए आप लोग, करिए आप लोग, करिए जो कर रहे हैं करिए, कोई हिलेगा नहीं, यहीं पर रहिए, सभी लोग बैठिए, आप बैठिए वहीं पे, आप बैठिए वहां पे, आप बैठिए। एक एक लोग यहाँ पे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह जी बताइए। आप कहीं के भी हो वो नहीं मतलब, भारत के ही हैं, भारत के तो हम लोग। आपका नाम क्या है? एक लोग को मैं भेज रहा हूँ जाके लिवा के आएंगे। कहाँ पे ये घर है आपका? अच्छा, आपका आपका कास्ट क्या है? यहाँ अंदर में है, कास्ट क्या है आपका? ओनली लिवा के आ जाएंगे। हरजन है, हरजन है, चमार है, हिंदू है। वो किसका टाइटल है, वो किसका टाइटल है? अरे आप दिल में बसिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करिए आप लोग, करिए आप लोग, करिए जो कर रहे हैं करिए, कोई हिलेगा नहीं, यहीं पर रहिए, सभी लोग बैठिए, आप बैठिए वहीं पे, आप बैठिए वहाँ पे, आप बैठिए। बिल्कुल कोई बात नहीं चाची, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आराम मिल गया ना। बात मानी उसके बाद आप जो मतलब जैसे जब हम हड़े हैं ऑफिसियल तो अपने पास रख सकते हैं ना, हम है ना उसमें, मेरा भेजा है वो बात नहीं। जी सर, हमको भी देना पड़ेगा, ऊपर हमको देना पड़ेगा। हाँ मतलब एक लोग गए हैं लिवा के आने के लिए। देखिए लोग यहाँ पे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह जी बताइए। आप कहीं के भी हो वो नहीं मतलब, भारत के ही हैं, भारत के तो हम लोग भी हैं ना, मतलब जाति धर्म को नहीं हम बदल रहे, केवल हम लोग देखिए हम लोगों ने आपसे नहीं मानते हैं, बोले तो नहीं जाति धर्म बदल रहे, लेकिन आप ही ने कहा है, मतलब कि आपने कर रहे हैं। हम सनातन धर्म मानते हैं, बस सनातन धर्म, सनातन धर्म के आप मानते हैं, आप बैठिए वहाँ पे ना, हम आपसे कुछ कर नहीं रहे, अरे नहीं आप बैठिए वहाँ पे, जैसे आप हमसे हम क्या बात करते हैं, बात नहीं करेंगे। बताइए कौन है? आपका नाम जी? मनोज कुमार जो बारी मोड़ है आप लोग एक लोग काम भेज रहे हैं, मनोज कुमार आगे, ये जो मनोज गुप्ता, आपका नाम? टाइम कट रहा है आपका नाम? हे आपका नाम? हरिन गुप्ता। हरिन गुप्ता, घर आपका? सूरजपुर। सूरजपुर घर है आपका? हम लोग कन्फर्म है, आज हम यहाँ पे आए हैं। आपका नाम? अमरजीत। हम लोग बस दो, आपका नाम पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? हाँ एक लोग को मैं भेज रहा हूँ जाके लिवा के आएंगे, ठीक है। कहाँ पे ये घर है आपका? अच्छा, आपका एक लोग को मैं भेज रहा हूँ, कास्ट क्या है? यहाँ अंदर में है, कास्ट क्या है आपका? ओनली लिवा के आ जाएंगे। हरजन है, हरजन है, चमार है, हिंदू हैं, हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू हैं, लेकिन फिर भी आप ईसाई की पूजा कर रहे हैं, वो क्या है? आप बैठिए वहाँ पे, आप हमसे हम क्या बात करते हैं, बात नहीं करेंगे, आप बैठिए वहाँ पे। प्रभु
देखिए कुछ लोगों को इन्होंने बुलाकर इकट्ठा किया हुआ है। तब बताइए आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो सूरत से आया हूँ। इनका घर मधुबन ही है भाई साहब। आधार कार्ड चेक कराइए अपना। आईडी चेक कराइए आधार कार्ड। आपका नाम? आपका नाम गुप्ता। मैं अतुल मिश्रा जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मऊ। जैसा कि आज ज्ञात हुआ, हमारे स्वयंसेवक ने हमें सूचना दिया कि मधुबन तहसील थाना अंतर्गत दुबारी मोड़ पे सुनीता नाम की एक महिला है, उनके घर में प्रार्थना सभा हो रही है। सूचना मिलने के बाद प्रथम दृष्टया हमने मधुबन एसओ और मधुबन सीओ को मामले से अवगत कराया और मौके पर मैं खुद जाकर वहां देखा तो वहां पे 15-20 की संख्या में महिलाएं थीं और दो लोग जो सूरजपुर के रहने वाले हैं मुंबई से आए थे। उनका नाम एक गुप्ता है मनोज और एक उनके पुत्र हैं 22 वर्षीय आर्यन गुप्ता। ये वहां पे प्रार्थना सभा करा रहे थे और मौके पर पुलिस पहुंची है और वहां से कुछ किताबें और बाइबिल की पुस्तक, बाइबिल जो उनका निशान होता है, मौके से उनको दिया गया है और अपना लेकर कुतवाली गया है। और मुंदा मधुबन के एसओ साहब ने बताया है कि मामले की तहकीकात चल रही है और इस तरह उचित जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें इन पर कार्रवाई की जाएगी। सलाम दोस्तों सभी को, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हाथ जोड़ के प्यारे भाई नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा और एक मसीह होने के नाते या एक गैर मसीह होने के नाते आपके विचार, आपके मन में क्या चल रहा है आप खुद जानते हो। तो इस वीडियो के बारे में कुछ बातें करने से पहले मैं उन पापा भक्तों से, उन इमोशनल क्रिश्चियंस, उन भावनात्मक मसीहियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये लोग हर वीडियो में आके जब भी उनके पापा के बारे में कुछ कहा जाएगा आके एक भिंडी रोना होते हैं कि वचन में लिखा गया है किसी के बारे में दोष नहीं लगाना है, न्याय नहीं करना है, तुम होते कौन हो, ये करने वाले, न्याय करने वाले तुम हो कौन। ये आके गंदगी फैलाते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरा गालियां देते हैं कि दोष क्यों लगाते हो, क्यों न्याय करते हो, तुम्हें अधिकार किसने दिया है, ये सब। तो दोस्तों ये जो पापा भक्त है, इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में, उनके विचार में क्या चलता है अभी देखेंगे। कुछ नहीं चलने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा जब भी कोई व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन उनके झूठे पापा के बारे में कुछ कह देंगे ना, तो ये लोग भिंडी रोना शुरू कर दे। मेरे पापा को क्यों कह दिया, क्यों न्याय, क्यों दोष लगाया, ये कहेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बारे में या पवित्र आत्मा के बारे में कुछ गलत कहेगा या उनका कुछ मजाक उड़ाएगा, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस फर्क पड़ेगा उनके पापा के बारे में अगर कोई कुछ कह देगा तो उनको चुभता है, उनको दिमाग में कुछ लगता है। हाँ दोस्तों, तो ये ऐसे क्रिश्चियन से जो कि बस इमोशनल क्रिश्चियन से, भावनात्मक है ना, ये बाइबल उठा के पढ़ेंगे ना कुछ जाने की कोशिश करेंगे, बस कमेंट बॉक्स में आके गालियां देते हैं। हाँ दोस्तों, खैर इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे, प्रभु जानता है इनके आंखें कब खोलेंगे, ये लोग कब बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, कब बाइबल की सच्चाई को जानेंगे, प्रभु ही जानता है और ये खुद जानते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जगह में आराधना होती है, एक घर में कुछ लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते रहते हैं। वहां पे कुछ भगवादारी जो कि सनातनी कहते खुद को, लेकिन कहना नहीं चाहिए एक्चुअल में वे लोग सनातनी नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं साफ साफ आपको बताऊंगा कि वे लोग सनातनी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए वे लोग सनातनी है, भगवादारी है, अदरवाइज दे आर नॉट सनातनी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ये जो आराधना करते थे वे लोग इन भगवादारियों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा,
ना उनके गुरुवाओं के बारे में, ना उनके धर्म के बारे में, ना उनके देवी देवताओं के बारे में कुछ गलत कहा, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। ना ही एक भारतीय होने के नाते हमारे संविधान के खिलाफ कुछ काम किया, हमारे न्याय व्यवस्था को ना तोड़ा, कुछ भी नहीं। वे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां पे इनको क्या लगता है नहीं पता, ये लोग जाते हैं और क्या करते हैं, धर्म के नाम से जाते हैं और डराते धमकाते उनको, बैठो बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो। एक बात सोचें, खुद को पूछें, ये अधिकार हमें कौन देता है, किसने हमें ये अधिकार दिया कि हम किसी के घर में जाके जबरन जाके उनके घर में हम घुसे और उनके घरवालों से हम सवाल करें कि तुम कौन हो। देखिए एक बहुत अजीब सी क्वेश्चन जो सवाल उन्होंने पूछा उस घरवाली दीदी से कि तुम कौन हो, जबकि दीदी पूछना चाहिए कि तुम कौन हो दोस्तों। लेकिन ये लोग जाके उस दीदी को ही पूछते हैं जो घर की मालकिन है, उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो ये अधिकार हमें कौन देता है, उनके पीछे कौन काम करता है, ऐसा कौन सा शक्ति है उनके पीछे जो इनको पीछे से पुश करती है कि तुम जाओ ये काम करो। अधिकार देता है, कोई तो होगा जो उनको अधिकार देते हैं पीछे से। तो जब कोई मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में, मेरे धर्म के बारे में, या मेरे परमेश्वर के बारे में, मेरे देश के बारे में, संविधान के बारे में, किसी के बारे में कुछ बुराई ना की हो, वहां पे जाके मैं उसको मारूं पीटूं हंगामा मचाऊं डराऊं धमकाऊं, ये कौन अधिकार दिया है और किस हैसियत से मैं जाके ये काम करता हूं, ये पूछने वाली बात है दोस्तों। और देखिए उनका नाम पूछते हैं, दीदी बताती है कि मेरा नाम ये है, ठीक है, जाति क्या है, आपका कास्ट क्या है, हरिजन हो, छमार हो, हिंदू हो, और हिंदू हो के यीशु को पूछती हो, भाई मेरे घर में कभी चूल्हा जला है नहीं है, हमारा हालचाल कभी पूछा नहीं है, हम कैसे हैं कभी भी पूछा नहीं है, लेकिन आके हमारे घर में ये पूछते हैं कि क्यों प्रार्थना करते हो, हिंदू हो के क्रिश्चियन धर्म को क्यों मानते हो, यीशु मसीह को क्यों पूछते हो, इसके पहले कभी आपने कुछ पूछा नहीं, हम कैसे हैं, हमारे घर में खाना है कि नहीं है, कोई पूछा नहीं है। जब दीदी पूछती है कि आप कौन हो, तो ये लोग बोलते हैं कि हम जो भी हो इससे आपको किया, अच्छा तो आप बाहर से आके घर वालों को पूछोगे तो घर वालों ने आपको पूछा तो उनका अधिकार नहीं है पूछने का। हमारा मेंटालिटी, हमारा मानसिकता देखिए, हम धर्म के नाम से क्या क्या करते हैं और क्या कहते हैं। कुछ लोगों को बुला के इकट्ठा करके यहाँ पे ये लोग प्रार्थना करते हैं, भाई बुला के नहीं, जिसके मन में प्रभु काम करते हैं वे खुद आते हैं वहां बैठ के प्रार्थना करते हैं, किसी को जबरन हम बुला के बैठा नहीं सकते हैं, ये लोग बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे नहीं जिसको हम बुला के बैठाएं उनको पकड़े और प्रार्थना करेंगे, नहीं, सब लोग बुजुर्ग है, सब लोग एडल्ट है, सबका दिमाग है, वे लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कौन है जाने के लिए उनको पूछने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, आधार कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, भाई तुम कौन हो, होते कौन हो, क्या तुम कोई सीबीआई वाले हो, क्या सीआईडी वाले हो, क्या कोई टैक्स डिपार्टमेंट से हो, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिकार लेके आए हुए कोई अधिकारी हो कि पूछते हो कि आधार कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, होते कौन हो पूछने वाले, और हमारा आइडेंटिटी नहीं देना है, लेकिन उनको पूछें कि आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। वाह, क्या भारत है, क्या धर्म है भाई। और क्या बोलते हैं कि हमें सूचना मिली, हमें ज्ञात हुआ कि यहां पे प्रार्थना चल रही थी इसलिए हम लोग आ गया, अच्छा और क्या, मौके पे पुलिस पहुंची, हाँ क्यों नहीं भाई, यहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतना बड़ा क्राइम हुआ था, तो इसलिए मौके पे पुलिस पहुंची है। तो आप जाने से, पुलिस पहुंचने से किसी का उद्धार हुआ, किसी की जान बचाई गई, तो बहुत एक अच्छा काम हुआ ना। ऐसे काम में नहीं पहुंचे जहां पे बड़े बड़े हादसे होते हैं, क्राइम्स होते हैं, वहां पे नहीं जाना है हमको, लेकिन जहां पे ऐसे मासूम लोग प्रार्थना करते हैं,
वहां पे जाके हंगामा मचाना है। सही मौके पर पुलिस पहुंची है। क्यों पहुंची है? उनका काम क्या है वहां पे जाके? क्या आपने संविधान नहीं पढ़ा? संविधान हमें क्या बताती है? हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें क्या बताती है? आर्टिकल 25-28 क्या बताती है? ये लोग नहीं पढ़े हैं। बस धर्म के नाम से कहीं जाके ऐसे छोटे छोटे झुंड को धमकाएंगे, डराएंगे, ये इनका काम है। हाँ दोस्तों, और क्या कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी। भाई क्यों कार्रवाई की जाएगी? उनका जुर्म क्या है? इतने बड़े जुर्म किए हैं, इतने बड़े पाप किए हैं, इतना बड़ा क्राइम कर दिए हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जहां पे इतने बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं वहां पे इनको नहीं जाना है, यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। किस हैसियत से आप कार्रवाई करोगे? कौन सी अधिकार से आप कार्रवाई करोगे? क्यों करोगे कार्रवाई? इनका गुनाह क्या है? इनका पाप, इनका जुर्म क्या है कि आप कार्रवाई करने के लिए वहां पे गए हो? और ये लोग खुद को कहते हैं सनातनी। सनातनी का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब क्या है? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है सनातन धर्म हमें क्या बताती है। सनातन धर्म हमें ये बताती है ईमानदारी। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी। और दूसरी बात है, कोई भी जीव जंतु को हमें चोट या दुख या हानि नहीं पहुंचाना है। आज सनातनी हमें दुख नहीं पहुंचाना है कोई भी जीव जंतु को। जी हाँ। तीसरी बात, पवित्रता और सद्भावना, दया, धीरज या धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता और वैराग्य, ये है सनातन धर्म का कुछ ड्यूटीज जो हर एक सनातनी को जानना बहुत जरूरी है। इतने अच्छे क्वालिटीज है, इतने अच्छे गुण हमें सनातनी धर्म बताती है। देखिए सनातन धर्म कितना अच्छा है कि ईमानदारी, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, सद्भावना और सहनशीलता, धीरज, उदारता, पवित्रता, आत्मसंयम, ये सब हमें बताती है। लेकिन इनको ये नहीं जानना है, ये नहीं पढ़ाई करना है, इनका बस जाके धर्म के नाम से कहीं पे हंगामा मचाना है, किसी को मारना है, पीटना है, धमकी देना है, डराना है, बस हो गया उनका धर्म की रक्षा। धर्म के रक्षक के नाम से ये लोग धर्म के भक्षक है। हाँ दोस्तों, और ये सब कारनामा करके ये सब क्या परिचय देते हैं कि सनातन धर्म ऐसा है। जबकि सनातन धर्म हमें ये सब नहीं बताती है, तो ये लोग जो ये काम में जुड़े हुए हैं इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि धर्म हमें क्या बताती है। इनको बस फर्क पड़ता है कि कहीं पर आराधना होती है वहां पे जाना है, प्रार्थना होती है वहां पे जाना है, हंगामा मचाना है, मारना है, पीटना है, धमकी देना है, डराना है, बस हो गया काम। लेकिन इतने अच्छे धर्म को हम लोग पूरा बर्बाद कर दिए हैं सनातनी सनातनी कह के। सनातन धर्म हमें क्या बताती है? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, हम सबको आज एन इंडियन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि हमारे संविधान हमें अधिकार देती है कि हम कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट कर सकते हैं कोई भी धर्म को। तो यहाँ पे हमें कोई भी आके ये नहीं कह सकता कि तू क्यों ये धर्म छोड़ के उसको स्वीकार करता है। जी हाँ, कोई भी ये हमें नहीं कह सकता। तो ये हमें संविधान अधिकार देती है, हमें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी बस प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना के साथ ही साथ हमें एक्शन भी लेना है और बाइबल पढ़ना है और संविधान को भी हमें सीखना जानना बहुत जरूरी है। तो आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं धर्म के नाम से हिंसा, अहंकार, लड़ाई झगड़ा फैलाते हैं, वैरभावना फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, वे लोग जाने कि धर्म हमें क्या बताती है।